क्या कर ले हो आप? हाँ, ये चीची स्माइल करती हो? देखो भगवान, धक्का मारना पड़ेगा यार। ये तुम लुड़का मत देना था। पहले क्या हटा दे, जा बजरंग वाली हटा, बजरंग। महीने में अगर मतलब मैं तो कितने टाइम बाद अपने फ्रेंड से मिली हूँ, एक साल बाद मिली हूँ। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी वेडनेसडे की दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं ऑटो में बैठ करके तांशु के स्कूल जा रही हूँ, क्योंकि मुझे उसकी यूनिफॉर्म लेनी है, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म चेंज हो चुकी है। तो अभी जो है स्कूल में ही अवेलेबल है, शॉप्स पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए स्कूल ही जाना पड़ रहा है मुझे सीधे। और मुझे इतनी तेज़ धूप में जाना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल में यूनिफॉर्म मिलने की जो टाइमिंग है वो फिक्स है, सुबह 10 बजे के करीब वो बैठते हैं और दिन मैं 1:30 बजे के बाद वो बंद कर देते हैं। तो मैं जल्दी से उसकी यूनिफॉर्म लेकर के आती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड नीलम के घर। सो आप लोगों ने मेरे बहुत से ब्लॉग में देखा होगा, हम दोनों ने साथ में एक ही स्कूल में पढ़ाया था, और अभी हम दोनों ये जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं। इनका रीजन अलग था जॉब छोड़ने का, ये गुजरात शिफ्ट हो गई थी, बट अभी यहाँ आई हुई है। हाथस पीलो, पानी पीलो, पानी पीलो, ठंडा ठंडा, बहुत गर्मी हो रही है यार। हेलो फ्रेंड्स, आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि अपना ओपिनियन देकर के जीतो काफी प्राइजेस, वो भी लोटस 365.in पर। यहाँ पर रहेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस, जैसे 50 तरह के क्वेश्चंस में आप अपना ओपिनियन देकर के जीत सकते हो काफी प्राइजेस। तो lotus365.in पर जाकर रजिस्टर कीजिए, पाइए 365 का बोनस। यहाँ पर आपको मिलता है 1-to-1 24 hours कस्टमर सपोर्ट। यहाँ पर खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा है 200+ क्वेश्चन जिनमें आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं और जीत सकते हैं काफी अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, नेहा शर्मा, काजल अग्रवाल और सुनील शेट्टी जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट lotus365.in पर रजिस्टर कीजिए, लिंक पिंड कमेंट बॉक्स में है। और यहाँ से अभी हम थोड़ा मार्केट जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे अभी दूसरी फ्रेंड रंजना के घर। आपको आपको नहीं ले जाने, आप यही रहना, आप क्या करोगे जा करके? आप वैसे तो बोलते नहीं, आपकी वैसे तो आवाज निकलती नहीं है। क्यों? चलो फ्रेंड्स, अभी आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। और मैं स्कूल से सीधे अपनी फ्रेंड नीलम के घर आ गई हूँ। हमारा पहले से ही प्लान फिक्स था मिलने का, और यहाँ से हम रंजना के घर जाएंगे। और तांशु को मैंने इनके साथ घर भेज दिया है। और मैंने तांशु के स्कूल में कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त उसकी परमिशन नहीं थी, स्कूल चल रहा था, स्टाफ अपना काम कर रहा था, बच्चे अपने स्टडीज़ में लगे हुए थे, तो वीडियो की परमिशन नहीं थी। सो बस यूनिफॉर्म लेकर के तुरंत मैं यहाँ आ गई हूँ। देखो भगवान, धक्का मारना पड़ेगा यार। ये तुम लुड़का मत देना रास्ते में कहीं। ये अपना गेट और फ्रेंड्स, आज हम तीनों फ्रेंड, मैं, नीलम, रंजना काफ़ी टाइम बाद एक साथ जो है गैदर हो रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, लगभग 1-1.5 साल बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से। नीलम ने लास्ट मार्च में जो है स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ गुजरात शिफ्ट हो गई है, उसके हस्बैंड गुजरात में जॉब करते हैं। और अभी नीलम यहाँ पर आई हुई है, तो हम तीनों ने मिलने का प्लान बना लिया कि आज तीनों मिल लेते हैं, फिर पता नहीं कब मिलना हो। तो आज हम तीनों मिलकर के खूब इंजॉय करेंगे और अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करेंगे। नीलम, फेयर लवली बड़ी चाहिए छोटी? फेयर लवली बड़ी या छोटी? छोटी वाली।
और अभी हम यहाँ एक कॉस्मेटिक की शॉप पे आए हैं। वैसे नीलम का प्लान पहले मार्केट में जाना था, उसे और भी कुछ सामान लेना था, फिर उसने कहा धूप बहुत हो रही है तो फिर यहीं पास में कॉस्मेटिक की शॉप आ गए हैं। यहाँ से उसे अपने लिए क्रीम फेस वॉश वगैरह लेना है। आ जाओ मैडम, डर डर के आई उसकी स्कूटी पे। तू वहां से ले आई वहां से, वो मेरी बहन है। अच्छा, मेरे को ये खोलन तो उसकी बच्ची है। चलो फाइनली चलो, कितने दिन बाद मिले हैं। कितना टाइम हो गया यार, बहुत दिन हो गए, एक साल डेढ़ साल हो गए करीब, बहुत दिन हो गए। चलो, अरे ये किधर खुलेगा, ये बंद कर लिया उसने। बाप रे, ये इसने घर से बाहर निकाल दिया। और अभी हम रंजना के घर पर आए हुए हैं और रंजना की अभी छोटी बहन आई हुई है, तो उनकी बेटी ने जो है गेट अंदर से क्लोज कर दिया है, तो बस ये गेट ओपन हो जाए उसके बाद हम अंदर चलते हैं। अभी मैंने और मैं रंजना के ऊपर वाले पोर्शन को देख करके सरप्राइज्ड रह गई थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारी एक और फ्रेंड है विदुषी, उसने रील बनाई थी और इसी जगह पे बनाई थी, तो मुझे पता नहीं था कि ये रंजना का घर है। तो मैं रंजना से यही बोलने लग रही थी कि ओ तो ये तेरा घर है। मैं तो ये सोच रही थी मैंने कहा उनकी ननद का कहीं घर होगा अलीगढ़ में, दूसरी जगह कहीं। रंजना मैडम का घर है, रंजना मैडम जी का घर है ये देखो रंजना मैडम। नीचे सड़े सड़े की वीडियो बना रही थी। आया सही है, बढ़िया है, अच्छा लग रहा था। ऊपर नीचे रह रही नहीं हूँ ना इसलिए। बेटा दे दे कोई करी दीदी। तो नीचे क्यों नहीं रह रही ऐसा, फिर बहुत ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है। अरे तो मजे आ रहे हैं ना। सही है, कौन से ऊपर गर्मी भी ऊपर, अभी तो गर्मी लेकिन ऊपर बहुत खुला रहता है, यहाँ से भी हवा आती है। देख यहाँ से भी हवा आती है, बाहर मौका रखा हुआ है, बढ़िया है, पूरी हवादार है, पूरा महल है मेरे, बाहर का नजारा भी अच्छा लग रहा है यार यहाँ से। यहाँ देख, अब बता ऊपर अच्छा लग रहा है नीचे अच्छा लग रहा है यार, यहाँ अच्छा लग रहा है, बाहर का नजारा देख, ये पार्क है। अब देख यहाँ नीचे पार्क में, देख कुछ भी कर, खेलो बच्चों कुछ भी करे, कितनी जगह है देखो। ले तू पहले नींबू ले, तू पहले जा हटा दे, बजरंगवली हटा, बजरंगवली। अभी हनुमान जी ये देखो भगवान, नींबू मंगाया रंजना ने हमसे, नींबू ला दे, नींबू और बड़े बड़े वाले लाइए खानदान के लिए बन जाएगी। यार हेयर स्टाइल दिखाने लग रही है, स्टाइल दिखाने पे बाल खोल के दिखा रही हूं मैं, बहुत दिनों में आ गई थी, अरे बाल सारे चले गए गुजरात में, बाल उड़ गए गुजरात में, छोड़ आई बाल जो है सब उड़ गए गुजरात में। पानी बहुत ऐसा है यार वहां का, नमक का पानी है, नमक का, नमक का पानी वहां का, तो और भी ज्यादा खराब है, वैसा ही है भाई बिल्कुल पूरा खराब है, तभी काली हो रही है, काली ना कपड़े साफ होते हैं वहां, ना चेहरा साफ होता है, काले हो जाते हैं। और रंजना ने हमसे दो नींबू मंगाए थे सिकंजी बनाने के लिए, क्योंकि रंजना का जो घर है ना वहाँ, मतलब घर तो काफ़ी सारे बने हुए हैं, काफ़ी डेवलप्ड एरिया है, बट जो है आने जाने का कोई साधन नहीं है और कोई शॉप्स भी नहीं है वहाँ पर, और मार्केट भी काफ़ी अंदर पड़ जाता ना, तो बहुत दिक्कत होती है कुछ भी सामान वगैरह लाना हो तो। और ये बेड पर रंजना की बहन की प्यारी सी बेटी लेटी हुई है, बहुत ही प्यारी है, जब मैंने इसे खिलाया था बहुत ही प्यार से स्माइल कर रही थी। बाबू क्या कर ले हो आप,
स्माइल करते हो हैं? इच्छी स्माइल हो जाती है हम्म? जो बात कर सुनेगी हम्म? सारी अच्छी लग रही थी मेरी ऑनलाइन है। मतलब व्हाइट व्हाइट से जिसमें डिजाइन बनी हुई होती है गोल गोल मतलब जाली से हां व्हाइट व्हाइट से जिसमें डिजाइन होती है पर्दे नहीं होते वो शीशा होता है वो शीशा शीशा नहीं होता गेट होते हैं गेट और रंजना का घर काफी अच्छा बना हुआ है, दो मंजिल बना हुआ है, तो नीचे का पोर्शन तो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, सामान भी वगैरह सेट नहीं, नीचे ऐसे ही सब पड़ा हुआ है। ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं ये लोग, तो अपना ऊपर वाला पोर्शन काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। ये किचन है उसकी, और किचन में भी काफ़ी स्पेस है, मॉड्यूलर बनी हुई है। किचन में ही मंदिर है जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। और आप लोगों को एक बात और बताऊं, रंजना का ये घर अभी कुछ टाइम पहले ही बनाया है, प्लॉट खरीद के बनवाया है उसने। और जब वो प्लॉट देख रही थी ना, तो उसने हमें अभी बोला था, तो हम दोनों ने साथ में मिलकर के प्लॉट देखे थे उस टाइम पे। लेकिन फिर हमारा मूड जो है चेंज हो गया, क्योंकि उस वक्त हमारा कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा था कि हमें हाथरस में ही रहना है या हमें आगरा में शिफ्ट होना है, क्योंकि मेरा मन जो है आगरा में शिफ्ट होने का है। तो फिर उस टाइम के लिए फिर हमने उस प्लान को अपना पोस्टपोन कर दिया, लेकिन रंजना ने प्लॉट ले लिया और फिर बनवा भी लिया है उसने, बहुत अच्छा बनाया उसका घर। और हम हाथरस और आगरा के बीच में ही फंस कर रह गए हैं कि हाथरस रहना है कि आगरा रहना है, कुछ नहीं पता। और अभी रंजना ने बनाई है हमारे लिए चाय, तो हम यहाँ चाय पी रहे हैं अंदर वाले रूम में बैठ करके। और हम काफ़ी देर तक वहाँ पर रुके रहे थे, शाम के 6 बज गए थे हमको वहाँ से निकलने में, तो काफ़ी मतलब 3-4 घंटे हम रंजना के पास बैठे रहे थे। खूब बातें की, खूब गपशप की हमने, और स्कूल की अपनी पुरानी यादें ताज़ा की, बहुत मज़ा आया। आ जाओ चलो तांशु के पास लेके चलें, चलो आ जाओ, आ जाओ तांशु के पास लेके चलें, आ जाओ आ जाओ। यार पहचान कर लो एक आध दो घर की आसपास कौन से घर है, कभी आए तो ये रेड से पता नहीं, घूमना बहुत पड़ता है ना, फिर बहुत घूम घूम के आना पड़ता है ना अंदर से। और नीलम का बेटा जो है तांशु के साथ खेलने के लिए जिद कर रहा था कि मुझे जो है तांशु के पास जाना है, लेकिन अभी टाइम काफ़ी हो रहा था, तो इसलिए फिर नीलम ने मना कर दिया। फिर मैंने उसे बोला है कि मैं जल्दी लेकर के आऊँगी तांशु को। और मेरी एक सब्सक्राइबर है मोनिका सिंह, उनके बहन बहनोई रंजना और अभिषेक जी की 21 अप्रैल को मैरिज एनिवर्सरी है, तो मेरी तरफ से उनको मैरिज एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ओहो पढ़ाई चल रही है, अरे रे और कुछ खाया पिया? हाँ तो मैंने दूध पिया था। नहीं अभी तो नहीं पिया, चने का जूस पिया था और जब हम आ रहे तो उसके बाद रोटी खा ली थी। रोटी खाई थी? तुम सब चीज छोड़, तुम ये बताओ तुम कहाँ घूम के आ रही हो? नहीं कहाँ घूम, मतलब आज सारे दोस्तों ने घूमे क्या? और क्या, क्यों आप मतलब सिर्फ आप ही जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने? ले जा सकते हो, तुम्हारे दोस्त हो गए, मानते हैं तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हो गए हैं। मैं भी आ गई थी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने, आप जाते हो तो गई थी अपने दोस्तों के साथ घूमने पार्टी करने। और क्या है, कहाँ कहाँ कर आए, कर ही आए अभी बता दिया, अभी तो पहले पढ़ाई कर लो। हाँ फ्रेंड्स बहुत थक गए हैं, और ये देख लो मतलब ये अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टी करें, खूब घूमे, तो कुछ नहीं है। बीबी अगर महीने में अगर मतलब मैं तो कितने टाइम बाद अपने फ्रेंड से मिली हूँ,
एक साल बाद मिली हूँ मैं, रुक पाया तुम्हें उसमें भी कह रहे हैं तो खुश तो रहे, खूब घूम रहे, खूब पार्टी हो रही है, कहाँ कहाँ घूम के आई हूँ, कहाँ कहाँ घूम के आई हूँ, कहाँ कहाँ घूम गया कर लो जाए, और मार्केट मार्केट और आईब्रो बनाना उनकी मार्केट में नहीं है चाहे, बेटा घर पे ही बनी थी। चलो चलो अभी लाइट आ गई, लाइट आ गई।